नमस्कार, एसीपी नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा। आज 17 सितंबर है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिवस है। अब बात आती है 17 सितंबर सन 1950। ये वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म बॉम्बे के वडनागर जिले में हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉम्बे कहाँ से आ गया, हमने इसका नाम तो सुना है लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इतिहास के पन्नों को अगर पीछे हम देखें तो लगभग 1 मई सन 1960, ये वो दिन था जब बॉम्बे दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा गुजरात के नाम से जाना जाने लगा, वहीं दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र के नाम से जाने लगा और नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से हम आप लोग भली भांति परिचित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी था, वहीं माताजी का नाम हीरा बहन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिता की 6 संतानों में से तीसरे पुत्र थे। 13 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशोदा बहन के साथ सगाई हो गई थी और वहीं 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। साल 1962 वो तारीख थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशभक्ति से हमेशा जुड़े रहे। शुरुआत से अगर कोई जुनून था वो अपने देश के लिए कार्यक्रम था, अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उनकी शादी हुई थी 17 साल की उम्र में, कुछ दिन साथ रह करके वो अलग हुए। उनका कहना था कि एक कुंवारा व्यक्ति भारत के भ्रष्टाचार को अच्छे से समझ सकता है, उससे भारत को छुटकारा दिलवा सकता है। इस मारे कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी से भी अलग हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही देशभक्त थे, उन्हें लगातार अपने देश के प्रति कुछ करने का जुनून था और देशभक्ति का उनका प्रतीक साल 1962 से ही देखने को मिलता है, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था और वडनागर रेलवे स्टेशन पर जब सेना से भरी ट्रेन वहां पर जाती है, वहां पर रुकती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास जाते, उन्हें खाने और चाय पिला के आते। यही नहीं, साल 1965 में भी जब इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, उस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेना के बीच में जाते रहते और उनकी सेवा करते रहते। अब ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी की कि वे देशभक्त कैसे रहे, उन्होंने अपने देश के लिए कैसे काम किया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में कैसे है, आखिर कैसे वे गुजरात के सीएम बने और कैसे वे भारत के प्रधानमंत्री बने। इसको जानने से पहले आपको साल 1971 की कहानी भी जानना जरूरी है। साल 1971 ये वो साल था जिस दिन मोदी की जिंदगी ने करवट लेना शुरू किया। मोदी क्योंकि आरएसएस से जुड़ चुके थे, साल 1971 में उन्हें आरएसएस के प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया और उनको कहा गया कि आप जाइए और देश की भावना आरएसएस का प्रचार कीजिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, देशभक्ति की भावना जगाइए, देश के हित के लिए कार्य करिए। साल 1975, आप सब लोगों को भी ये साल ढंग से याद होगा क्योंकि 1975 से ही भारत के कुछ राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात होने लगे थे। भारत के कई राज्यों में 1975 में भी आपातकाल लगा दिया गया था, इस पर आरएसएस जैसी शाखाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच भी नहीं रुके, वो गए और जाने के बाद उन्होंने प्रचार किया अपनी शाखाओं का, अपने आरएसएस का प्रचार किया और लगातार वे आरएसएस के लिए कार्य करते रहे। अब आता है आरएसएस ने फिर उनके, जब वहां देखा कि आरएसएस में वो कार्य बढ़िया कर रहे हैं तो आरएसएस ने उनकी बीजेपी में नियुक्ति कर दी और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में आए। साल 1990 ये वो साल था, यानी गोल्डन साल जिसे कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये वही साल था। साल 1990 पे लालकृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया और लोगों का हुजूम काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ा और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी में लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने लगी। गुजरात में इन्हें काफ़ी जाने लगा और खासकर चाय वाले के नाम से, क्योंकि चाय वाला जैसे जैसे वो आगे आ रहे थे तो एक चाय वाले का उन्होंने टैग शुरुआत से लेकर चला कि मैं हमेशा एक आम आदमी हूँ और आम आदमी के बीच में हमेशा जुट कर रहता हूँ। 7 अक्टूबर सन 2001 ये वो साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बने थे और गुजरात के सीएम बनते मानो इन्होंने कमाल ही कर दिया था क्योंकि गुजरात अब इनके हाथ में आ चुका था और पहले गरीब परिवार से ये सीएम बने थे। एक चाय बेचने वाला पहली बार भारत का किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना था। लेकिन जीवन ये कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव हमेशा जिंदगी का मेल है, तो मोदी का जीवन भी अब ये नहीं था कि यहाँ से एकदम स्टेबल आ गया था, यहाँ से भी उनके जीवन में लगातार जो कठिनाइयाँ हैं वो आती रहीं। साल सन 2002 ये वो साल था जब गोधरा कांड, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा गोधरा कांड, तो गोधरा कांड के बारे में भी हम आपको बता ही देते हैं। गोधरा कांड यानी जिस दिन साल 2002 में जब गोधरा के एक साबरमती ट्रेन में S6 कोच में आग लगा दी जाती है जिसमें 56 लोगों की मौत हो जाती है, जिसका दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जाता है। उसके बाद तो मानो गुजरात की हालत एकदम बिगड़ने लगी, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे एकदम भड़क गए और इस दंगों में लगभग 1200 लोगों की जान चली गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की लोकप्रियता तो बढ़ रही थी, लेकिन अब इस क्रेज से उनकी पूरी लोकप्रियता डाउन हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि 1200 लोगों की हत्या, मतलब 59 लोग जो साबरमती ट्रेन में मरे हैं वो, और 1200 लोग जो गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं उनकी वजह से मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ गई पार्टी में, चुनाव के पार्टी में एकदम वो क्रेज बढ़ गया। सन 2014 में उन्हें पीएम का चेहरा तो बनाया जाने लगा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। इसके लेकर के जब उन्हें क्लीन चिट मिली और बताया गया कि क्योंकि हाईकोर्ट ने एक अलग से टीम गठित करी, उसमें कहा गया कि आप इस पूरे मामले की जांच करिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम निर्दोष साबित हुए और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, और 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोदी के बारे में कहा जाता है कि मोदी आज भी दिन में 18 घंटे काम करते हैं, यानी एक दिन 24 घंटे का होता है दिन रात मिलाकर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जीवनी आज के युवाओं के लिए एक काफी प्रेरणा स्रोत है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक लक्ष्य को लेकर के आप साथ चलिए और आप अपने जीवन में हर एक मुकाम वो हासिल कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए एसीपी नेटवर्क। धन्यवाद।